साकी मुनि भगवान जाने बताता साकी मुनि भगवान जाने बताता जाने बता जाना तीन सिखा जाना जाने बता जाना जाने बता के बारे में किसको पता है कि भगवान बुद्ध के सामने जाने से आपका कल्याण कैसे होगा। भगवान बुद्ध ने कहा है मेरी पूजा से आपका कल्याण नहीं हो सकता है, मेरी पूजा करने से सिर्फ मेरी पूजा करने से आपका कल्याण नहीं हो सकता है, आपका कल्याण तभी हो सकता है जब मेरे बताए मार्ग का आप अनुसरण करेंगे, आप उस मार्ग पर चलेंगे तभी आपका कल्याण होगा, इससे पहले आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो भगवान बुद्ध ने कहा है नाई ओ पाली शरण में आया, नाई ओ
भगवान को दिल लगाया, भगवान को पानी कठोता चिंचाई, पानी कठोता चिंचाई, पाकर जाने मने कौन कौन चिंचा को जानता है? किसी ने चिंचा का नाम सुना है? आप लोगों ने कथा भागवत बहुत सुनी हुई होगी, लेकिन चिंचा जैसी एक अबला जिन्होंने भगवान बुद्ध पर दोष लगाया था, उस चिंचा का भी देखिए भगवान बुद्ध ने अपने उस दृष्टि से उसके पटल खोल दिए, जो वो ढोंग बना करके चिंचा आई हुई थी उसका कठोरता को जान देते हैं, चूहे को मर के जान देते हैं और उसकी भी आके खोल देते हैं और भगवान बुद्ध की शरण में आ जाती है। तो कहना है बांधी कठोरता चिंचा पागल जाने मने में हर लाए, मेरे घर भी चले आना जाना, मेरे घर भी चले कल्याण, अगर मानव अपना कल्याण करना चाहता है तो मानव कल्याण के लिए भगवान बुद्ध ने जो सील बताए हैं, तो साधारण मानव के जीवन को सुखमय बनाने के लिए पांच सीलों का पालन करने के लिए बताए हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, हमारे बौद्ध भिक्खु जो भी कार्यक्रम कराते हैं तो सबसे पहले नमो तस्य भगवतो अरहतो कराते हैं, इसके बाद में त्रिशरण कराते हैं और इसके बाद पंचशील का पालन करने के लिए बोलते हैं। जो पांच सीलों पर चल जाएगा तो उसी का मंगल होगा, उसका कल्याण होगा। तो कह रहा है मैं पांच सील है मंगलकारी, पांच सील है मंगलकारी, जन जन के है हितकारी, जन जन के है हितकारी, करे ज्ञान लिखायो आए हैं शरण तुम्हारी, मेरी ओर में मेरे हेरे दे ज्ञान कराना, किसी लिखा जाना मेरे सब जय ज्ञान भगवान, ज्ञान बता जाना मेरे सत्य मुनि भगवान, बताया